Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5. तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में फिर हमारे पास है, बट स्टिल ट्रेवर की जान खतरे में है जब तक वो एल रूबियो और डगन बॉस के पास है. कहीं वो अपना गुस्सा उतारने के लिए अंडरवाटर माफिया को भूल के ट्रेवर को मार ना डालें. इसलिए हमें कुछ भी करके ट्रेवर को तो बचाना ही है. बट अच्छी बात तो यह कि हम लोग एकदम सेफ हो चुके हैं. और आज की कुछ टाइम पहले जो हमारे घर से कार्स चोरी हुई थी, वो कार्स किसने चुराई थी और क्यों चुराई थी? तो यार देखो, ये सारा का सारा मास्टरमाइंड प्लान था हमारे दोस्त अंडर वाटर माफिया का. निकल लेते हैं सीधा अपने घर के लिए वापस. और यहाँ पर ये कौन भाई सब जी आए इतनी बढ़िया सी गाड़ी लेकर? पुराने टाइप की गाड़ी है बट काफी ज्यादा सही है. ओ भैंस के, ये तो अपना दोस्त लग रहा है. मेरे को लगा कि लेस्टर आ गया, बट ओ भाई ये तो अपना दोस्त है पुराने वाला. तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है. और गाइस यार, ये ना यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आया था. वैसे मैं आप लोग को बता दूं ये कौन है. तो यार ये ना माइकल के स्कूल टाइम का ही फ्रेंड है और इसका नाम है डेव. और ये यहाँ पर गाइस इसलिए आया था क्योंकि इसको ना मालूम पड़ा है कि ये जो बड़ा वाला स्टोर है ना, ये हमने खरीद लिया है और इसको भी हम लोग ना डीलरशिप में कन्वर्ट करवा रहे हैं. मीन्स यहाँ पर हम लोग एक अपना बहुत बड़ा शोरूम खोलने वाले हैं. तो यार ये कह रहा है कि तुम्हें पक्का कुछ ना कुछ गाड़ियां तो चाहिए होगी. तो ये ना एक ऐसे बंदे को जानता है जिससे हम लोग ना एक से एक लग्जरी कार्स आज के लिए आधे प्राइस में हम लोग वहां जाकर ले सकते हैं. कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहां पर लिबर्टी से गाड़ियां इंपोर्ट हुई है. तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं, पहले तुम्हारे घर पर गया था, फिर पता चला कि तुम अपने शोरूम के लिए निकल चुके हो, इसलिए भागता भागता यहां पर आ गया है. तो ये कह रहा है कि तुम ना मेरे साथ अभी कभी चलो, वहां पर गाड़ियां देख लो, अगर पसंद आती है तो ले लेना, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं. वैसे यार हाँ भाई, सच्ची में इस टाइम पर हमें गाड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अपने शोरूम में भी इस टाइम पर एक भी गाड़ी नहीं है. बस वहां पर गाड़ियां रिपेयर होने के लिए आ रही है. और वैसे भी हमें अपने शोरूम की टीम बड़ी करनी है, बट पहले वाला शोरूम बन जाए उसके बाद. तो अपने पास इस टाइम पर पैसे तो नहीं है, बट पैसों का जुगाड़ हमें करना पड़ेगा. एक बार ही देख कर आ जाते हैं क्योंकि यार देखो, अगर लंबोर्गिनी वगैरह और मतलब एक से एक तगड़ी कार रोल्स रॉयस टाइप हो गई वो आधे प्राइस में मिल जाएगी तो भाई बहुत ज़्यादा सही रहेगा. और ये कह रहा है कि वो सारी की सारी गाड़ियाँ लिबर्टी सिटी से इम्पोर्ट हुई है, तो सीधी सी बात है वो गाड़ियाँ सारी नई कंडीशन में ही होंगी क्योंकि लिबर्टी से नई गाड़ियाँ ही आती है मैक्सिमम. तो ओके गाइस, अभी ना फटाफट से इसने मुझे उस जगह की लोकेशन बता दिया है जहाँ पर उस अमीर बंदे ने लिबर्टी सिटी से गाड़ियाँ इम्पोर्ट करवाई है. और वो जगह है पलेटो में. मतलब क्या, लास्ट टाइम जब हमें ट्रक चाहिए थे हम तब भी पलीट हो गए थे. आजकल भाई डेली आना जाना हो रहा है इतनी दूर दूर तक. चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से गाइस अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं. थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि यार ये डील मैं बिल्कुल भी मिस नहीं होने दूंगा. ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट नहीं लेफ्ट मोड़ने वाला हूं क्योंकि जिस बंदे के पास हम लोग गाड़ियां लेने जा रहे थे, अभी अभी मेरे फ्रेंड को उसका कॉल आया है और वो कह रहा है कि कल लास्ट नाइट ही उसने अपनी सारी गाड़ियों को पलीटो से लॉस सैंटोस ऑर्डर स्कूल में मूव करवा दिया था ताकि वो जो गाड़ियां है ना जल्दी से जल्दी बिक जाए. और आधे दिन के अंदर ही उसकी 40 सुपर लग्जरी कार्स बिक चुकी है. अब यार मुझे तो ये लग रहा है कि जो अच्छी अच्छी कार होगी होगी ना वो सारी बिक गई होगी क्योंकि उसने बहुत सारे जो डीलरशिप के ऑनर्स हैं उनको गाड़ियां बेची है, किसी नॉर्मल बंदे को नहीं बेची. तो अभी हम भी डीलरशिप के ऑनर है तो फटाफट से हम लोग जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी बची कुछ गाड़ियां उसके पास पड़ी है. वो कह रहा है कि अभी भी उसके पास मतलब पड़ी हुई है बहुत सारी कार्स, 20-30 कार्स हैं. तो चलकर देखते हैं भाई कौन कौन सी कार्स है और कौन कौन सी हमें उससे खरीदनी चाहिए. प्राइस वगैरह सब कुछ देखेंगे, फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं. तो ओके गाइस, लेट्स गो. फाइनली हम लोग अपनी लीमो लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा ऑर्डर स्कूल, मींस लॉस सैंटोस ऑर्डर स्कूल पे, जहां पर उस बंदे ने अपनी सभी गाड़ियां बेचने के लिए भेजी है. शायद से वो खुद भी यहां पर आया हुआ है. भाई चलो चलकर मिल लेते हैं उसे. आखिरकार ऐसा कौन सा अमीर बंदा है जो कि भाई साहब 50-60 गाड़ियां लिबर्टी सिटी से इंपोर्ट कराकर लॉस सैंटोस बेचने के लिए लाया. चलो कोई नहीं, और वो भी हां सारी की सारी सुपर लग्जरी कार्स. मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने गाड़ी पीछे थोड़ी सी ठोक दी अपनी लीमो में. चलो कोई नहीं यार, ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट तो होता रहता है. बट फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं. वैसे यार यहाँ पर आज जो है पार्किंग ना पूरी भरी हुई है. मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी गाड़ी कहाँ पर पार्क करूंगा. एक काम करता हूँ, मेरे को ज्यादा देर का यहाँ पर काम तो है नहीं, इसलिए अपनी गाड़ी को ना एक सेकंड, पीछे की पार्किंग थोड़ी सी खाली है. और हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि अपनी गाड़ी के लिए इन्होंने जगह बचा कर रखी थी, तो अपनी गाड़ी को हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर पार्क कर देते हैं. यार इस गाड़ी को ना घर पे ले जाकर खड़ा कर देंगे, इसको चलाना मतलब टाइम पूरा बर्बाद कर. चलते अभी हम लोग ऑर्डर स्कूल, गेट बंद कर देना भाई, गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा महंगी है. ओके, तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया बना रखा है. ओ भाई साहब, गाइस ये देखो सामने की तरफ में कितनी तगड़ी एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार खड़ी हुई है. और यार क्या ही कलर कॉम्बिनेशन है. और वो सामने की तरफ में जो बंदा वो है, शायद से वही है वो बंदा
जिससे हम लोग गाड़ियां लेने आए हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये सारी गाड़ियां ना हमें 25 मिलियन डॉलर्स की दे देगा, बट अभी पेमेंट करने पर। तो मैंने इसे बोल दिया भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बट कल तक मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके पेमेंट कर दूंगा। तो ये कह रहा है फिर कल तुम पूरे 35 मिलियन डॉलर्स लेकर आना। मतलब एक दिन लॉस सैंटोस रुकने के भाई ये हमसे 10 मिलियन डॉलर ज्यादा मांग रहा है। बट कोई नहीं यार, अभी ठीक है। ये सब गाड़ियां ना लिबर्टी में भी इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती है, मतलब मिल जाती है बट आधे प्राइस में नहीं मिलती है। फिलहाल आप लोग खुद देखो भाई, हमें 35 मिलियन डॉलर्स में एक लैम्बोर्गिनी उरुस, फरारी, लैम्बोर्गिनी सेंटेनारियो, बीएमडब्ल्यू, भाई एक से एक कार आ जाएगी। और ये तो बताए नहीं लैम्बोर्गिनी एसवीजे, भाई ये सारी बहुत महंगी कार्स हैं। फिलहाल ये वाली कार और एक ये वाली कार ये हमें नहीं देने वाला है इसके अंदर। मतलब कि ये जो बहुत तगड़ी फॉर्मूला वन कार है इसका अकेले का प्राइस ये 50 मिलियन डॉलर मांग रहा है। तो इतना तो नहीं है, बट हमने कहा कि जो गाड़ियां अंदर है वो हम लेने के लिए रेडी हैं। तो मैं कल तक पैसों का जुगाड़ करता हूँ, फिलहाल आज के लिए तुम लॉस सैंटोस ही रुक जाओ। तो चलो यार अभी फिलहाल जल्दी से मैं निकलता हूँ, देखते हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए। भाई मेरे को तो अभी इस टाइम पर सिर्फ लेस्टर ही याद आ रहा है, क्योंकि वही एक बंदा है जो कि क्विक पैसों का जुगाड़ करा सकता है। वैसे मैं सोच रहा था कि हम लोग इसके मुंह पे फेक कैश ला के मार देते हैं, बट नहीं भाई, ये लिबर्टी वाले बंदे बहुत खतरनाक होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि दो दो सिक्योरिटी गार्ड लाए हैं, बट ऐसा होता नहीं है भाई। पता चला इनकी पूरी की पूरी आर्मी इनके साथ आई और हमें अलग ही लपेट डाले। फिलहाल जो अपना फ्रेंड है गाइस वो यहीं पर रुकने वाला है, क्योंकि उसको शायद इससे पता नहीं क्या ही बात करनी है, बट अभी हम लोग निकल लेते हैं। और ये जो आप गोल्ड की रॉल्स रॉयस देख पा रहे हो ना नॉर्मल वाली, ये भी शायद से इसी की है। और ये अपने कार्गो प्लेन में लेकर आया भाई, ये अलग ही बंदा है यार, ये बिल्कुल एकदम ही अलग है। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग अपनी लिमोसिन लेकर निकल लेते हैं सीधा लेस्टर के पास। पहले मैं एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ, मुझे ये गाड़ी भाई नहीं चलानी, ये बहुत ज्यादा थकावट गाड़ी है। इसको चलाने में ना भाई नींद से आ जाती, इतनी ज्यादा स्लो चलती है कार। मतलब टैक्सी वाले भी हमसे आगे निकल रहे हैं भाई, क्या ही दिन आ गए। तो गाइस यार देखो, वैसे मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग ना अपनी एक काम करते हैं, सारी गाड़ियां मीन्स अपने पास जितनी भी गाड़ियां ना, बुगाटी डी वो सारी की सारी गाड़ियां हो गई, उन सभी गाड़ियों को बेच देते हैं। और उसके बाद जो पैसा आएगा ना, उन पैसों को ले जाकर इस बंदे को मैं दे देता हूँ, फिर ये सारी गाड़ियां हम लोग ले लेंगे। उसके बाद जब अपना नया शोरूम बन जाएगा तो उस शोरूम में हम लोग वो गाड़ियां ले जाकर बेचेंगे, फिर उसके बाद सीधी सी बात अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और पैसे आने लग जाएंगे, फिर तो हम लोग जो मन चाहे वो कार खरीद सकते हैं। मेरे को ना यार देखो अभी उतना लिबर्टी का सीन मालूम नहीं है कि कैसे वहां पर जाकर किन बंदों से गाड़ी खरीदी जाए जिसकी वजह से हमारे साथ कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लिबर्टी चले जाएं और सस्ते के में गाड़ी खरीदने के चक्कर में पूरा स्कैम हो जाए हमारे साथ और हमें कुछ भी ना मिले और सारा पैसा ही वेस्ट हो जाए। फिलहाल छोड़ो वो बात की बात है, बट मैं तो वैसे नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी गाड़ियां बेचूं, स्पेशली लैम्बोर्गिनी सियान, क्योंकि भाई वो सबसे ज्यादा फेवरेट कार है। देखते हैं भाई अगर लेस्टर की तरफ से जुगाड़ हो पाता है तो ठीक है, वरना हमें अपनी गाड़ियां बेचनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डील दे रहा है ना भाई, ये मैं कुछ भी करके अपने हाथ से जाने नहीं देता हूं। फिलहाल पहले जल्दी से हम लोग लेस्टर के पास चलते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी लीमो लेकर सीधा लेस्टर के सीक्रेट वेयर हाउस में पहुंचने वाला हूं। फिलहाल मैंने उससे बीच रास्ते में कॉल करके पूछा था कि मुझे ना इस टाइम पर बहुत ज्यादा अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं से अगर जुगाड़ हो जाए तो भाई बता दियो। तो वो कह रहा है जल्दी से वेयर हाउस पहुंचो, एक बहुत तगड़ा प्लान है, जो कि मतलब वो हमें कॉल करने ही वाला था वैसे थोड़ी देर में, बट सही हमने उससे पहले कॉल कर दिया। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं आखिरकार लेस्टर ऐसा कौन सा प्लान बनाकर बैठा हुआ है। फिलहाल के लिए मैं अपनी गाड़ी यहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ, जब यहाँ से निकलने लगेंगे तो मैं अंदर नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि यार ये गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी करनी, खाली पीली यहाँ पर डेंट वगैरह आ जाएंगे। इसको ले जाकर हम लोग अपने मतलब घर पे ही खड़ी करेंगे, वहीं पर ये जो गाड़ी है एकदम सेफ रहेगी। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं हम लोग सीधा इस वेयर हाउस के अंदर और बात करते हैं लेस्टर से कि आखिरकार उसने क्या प्लान बना रखा है पैसा इकट्ठा करने के लिए। इससे बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि इन लोगों ने एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया है एक बैंक में चोरी करने का, बट उस प्लान को हमें पूरा सक्सेसफुल बनाने के लिए 4-5 चीजें करनी पड़ेगी, वो भी शाम होने से पहले, वरना कल तक करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क है। तो यार देखो लेस्टर कह रहा है कि हमें ना एक टैक्सी ड्राइवर चाहिए होगा। पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कौन से बैंक में चोरी करने जा रहे हैं। आप लोग को याद होगा काफी टाइम पहले हम लोगों ने पैसिफिक बैंक में चोरी करा था, तो कुछ उसी टाइप का एक और बैंक है जिसका नाम है लॉम बैंक, और उसके बेसमेंट में जो उसका वॉल्ट है, और उस वॉल्ट में मींस उस लॉकर में बहुत सारा गोल्ड और कैश रखा हुआ है, जिसे वहां से चुराना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यार लेस्टर तो कह रहा है भाई बिल्कुल इंपॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से जिस बंदे ने उस वॉल्ट के लॉक को बनाया ना, वो खुद एक बहुत बड़ा हैकर है, तो सीधी सी बात है भाई उसने बहुत तगड़े तरीके से उसे लॉक करा होगा। फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि अगर हम लोग उसके तरीके से चोरी करेंगे तो अपनी चोरी एकदम बढ़िया होने वाली है। तो लेस्टर कह रहा है कि एक बंदा है जो कि इस वॉल्ट को हमेशा खोलता है और बंद करता है, और वो बंदा वहां उस बैंक का मेन बंदा है। बट लेस्टर कह रहा है कि हमें ना कुछ भी करके उस बंदे को ना पहले पकड़ना होगा बैंक के बाहर, क्योंकि जब तक वो बैंक के
अंदर है ना, वो किसी भी टाइम पर वो अलार्म दबा सकता है, और अलार्म दबाते ही वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आ जाएगी, पूरे बैंक में स्मोक फैल जाएगा, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाएगा, और हो सकता है उस बैंक के सारे एग्जिट गेट भी बंद हो जाए, तो हम लोग उसके अंदर फंस सकते हैं और फिर पुलिस आके हमें पकड़ के ले जाएगी। और आप लोग को तो पता ही है इस टाइम पर जो पुलिस है वो अपने हाथ में नहीं है, मिलिट्री कैनल दूसरा आ चुका है, तो हमें इस काम को काफी ज्यादा सेफली और बहुत तगड़े तरीके से करना होगा। तो प्लान लेस्टर ने मुझे पूरा बता दिया है और अभी फटाफट से हम उस प्लान को करने के लिए निकल रहे हैं। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले ना हमें जाना है सीधा टैक्सी वालों के वहां, और डाउनटाउन कैब जाकर हमें वहां से एक टैक्सी लेनी है, और टैक्सी ड्राइवर बन के अगले दिन सुबह सुबह हमें उसके घर के बाहर जाना है उसे पिक करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा बैंक के लिए टैक्सी लेकर ही निकलता है, और हम लोग उसको अपनी टैक्सी में बैठाएंगे और उसके बाद उसे ले जाकर बीच रास्ते में एक जगह पर टॉर्चर करेंगे। मीन्स ये लोग ना सीधा उसको गंदी तरह घेरने वाले हैं। प्लान सब कुछ ओके है, लेस्टर ने इन तीनों को सब कुछ समझा रखा है। इस गाड़ी को लेकर कहां पर ही जाऊंगा, इतनी ज्यादा लंबी गाड़ी है, पहले से घर पर जाके पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे अपनी वहां से गाड़ी लेकर डाउनटाउन कैब जाना पड़ेगा, काफी टाइम खराब होगा। एक काम करता हूं, इसको ना मैं अंदर ले जाके पार्क कर देता हूं, सेफ भी रहेगी। यार देखो कितनी हैवी कार है, मोड़ने में भी इतनी दिक्कत होती है, बट अगर हम लोग इसकी आगे वाली ब्रेक मार के मोड़े ना, तो ये देखो गाड़ी सीधा सवेरा उसके अंदर लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी से अभी मैं इसे यहां पर एकदम सेफली पार्क कर, और अभी हमें वहां से एक टैक्सी का जुगाड़ करना है और एक ड्रेस का जुगाड़ करना है अपने लिए, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि ये जो काम है तुम ही परफेक्टली कर सकते हो, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट से गाइस अभी हम लोग निकल लेते हैं सीधा डाउनटाउन कैब के लिए। वैसे वो जगह यहां से दूर नहीं है, पार्क एरिया में डाउनटाउन कैब का ऑफिस है, वहीं से हमें टैक्सी वगैरह मिलने वाली। पर्सनल टैक्सी मीन उसकी पर्सनल कैब गायब करो और अपनी बाइक लेकर निकल लो सीधा पलेटो के लिए। अब क्यों निकलना है वो तो हमें वो बीच रास्ते में बताएगा, और अभी ना जो उसकी पर्सनल टैक्सी है वो हमें गायब करनी है और उसको एक सीक्रेट जगह पर खड़े करके उस टैक्सी को उठाकर ले जाएगा अपने लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। अब यार देखो ये जो नॉर्मल टैक्सी है ना इससे अपना काम नहीं हो पाएगा, उसकी जो पर्सनल टैक्सी है वो कुछ ऐसी नहीं दिखती है, वो इससे काफी ज्यादा तगड़ी है, मतलब वो एक टाइप से ना आर्मर्ड कार है, लेस्टर ने हमें इतना तो बताया था। और वो कार हमारे कल सुबह काम आने वाली है जब वो बैंक के लिए निकलेगा, उसको उसका मेन ड्राइवर नहीं हम पिक करने जाएंगे। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1.2 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जिसको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे नया चाहे वो सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि क्या हमें लिबर्टी जाकर और गाड़ियां लेकर आनी चाहिए या फिर इन पैसों से नहीं। वैसे पैसा तो बहुत ज्यादा हो चुका है, बट अभी हम पांचों लोगों में दबा के बटने भी वाला है। खैर छोड़ो यार वो बात की बात है, बट आप लोग अपना सजेशन देना बिल्कुल मत भूलना, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे से बात करने के लिए। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।